हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाति आर्या। आज मैं आपके साथ, गर्मी आते ही हमें आइसक्रीम खाने का मन करता है और आज मैं आपके साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम बहुत आसान तरीके से कम मेहनत में झटपट बनाएंगे। हम बटर स्कॉच आइसक्रीम सभी को बहुत पसंद आता है फ्लेवर, ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और देखिए कितना प्यारा सा क्रंच बना है। तो आइए इसका बनाते हैं। सबसे पहले क्रंच, इसके लिए मैंने लिया है एक छोटी कटोरी ली है चीनी। चीनी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट करना है और ये चीनी धीरे धीरे देखिए मेल्ट होगी। इसे हमें लगातार चलाना है। इसका हमें कैरमल बनाना है, इसका कैरमल क्रंच बनाएंगे हम, जो कि बटर स्कॉच आइसक्रीम में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए चीनी का कलर चेंज हो गया है, चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे हम अमूल बटर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक से दो चम्मच आप इसमें अमूल बटर डाल दें। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे क्रंच के लिए मूँगफली के दाने। आप चाहो तो इसमें हम काजू बादाम डाल सकते हैं, पर आज मैं मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। और इसे हम दो से तीन मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे हम लगातार चलाते हुए। गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर लो रख रही हूँ और लगातार चलाएंगे इसे हम। देखिए बहुत अच्छा लगता है क्रंच ये वाला बटर स्कॉच आइसक्रीम में। आप अपनी पसंद का काजू बादाम वाला भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे पका लिया है और प्लेट पर मैंने पहले से ही घी लगा लिया है और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे इसमें। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है क्रंच, ये बिल्कुल चिक्की की तरह लगता है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। जब तक हम बाकी का प्रोसेस करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेंगे हम। इसे हम बीटर मशीन से अच्छे से बीट कर लेंगे। स्टिपिक आने तक इसे हमें अच्छे से बीट करना है, जिससे इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। और इस बटर मशीन का दोस्तों मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, अगर आपको इंटरेस्टेड है इस पर तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए कितनी सिल्की स्मूथ क्रीम हो गई है हमारी, ये देखिए बहुत ही अच्छी हो गई है ये क्रीम, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें स्टिपिक आ रहे हैं, इट मीन्स हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप कंडेंस मिल्क, ये डाल दिया। और इसे भी हम 2 मिनट के लिए और एक बार और बीट कर लेंगे। और बनाना बहुत आसान है इसे और टेस्टी तो इतनी ज़्यादा लगती है कि आप बाज़ार की आइसक्रीम खाना इसे भूल जाएंगे। तो मैंने इसे 2 मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फूड कलर, येलो कलर, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये कलर डालना ऑप्शनल है, मैं यहाँ सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, देखिए कितनी सिल्की स्मूथ हो गई है क्रीम, आप देख सकते हैं। इसे आप फ्रिज में रख देंगे और ये देखिए क्रंच सेट हो गया है। इसे आप डिमोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम पॉलिथीन बैग में डाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है क्रंच ये वाला, तो इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए इसे हम कूट लेंगे इस तरह से, तो कुछ छोटे पीस करेंगे कुछ बड़े पीस करेंगे, जो कि आइसक्रीम में बहुत ही अच्छे लगते हैं क्रंच ये वाला। ये देखिए इस तरह से मैं क्रंच तैयार कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से इसे कर लेंगे हम। तो ये देखिए क्रंच बनकर तैयार हो गया है। क्रंच को मैंने दरदरा रखा है, ये देखिए। अब इसे मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और 4 चम्मच हम डालेंगे इसमें क्रंच ये वाला। इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से इसे मिला लिया है। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स लेंगे और इसे में डाल देंगे और आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर, सिल्की स्मूथ लग रही है। इसे हम डाल दिया। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा क्रंच डाल देंगे। आपने देखा दोस्तों बनाना कितना आसान है बटर स्कॉच आइसक्रीम, बहुत ही आसान तरीके से कम मेहनत में हमने आइसक्रीम बनाई है। एक दो बार इसे हम टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना हो। और इसका हम ढक्कन ज़रूर लगाना है और इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। तो देखिए इसका ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे इसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं जमते। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहो तो स्कूप से भी निकाल सकते हैं या फिर कर्ची से भी निकाल सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से आइसक्रीम सेट हो गई है, आप देख सकते हैं। इसमें अंदर भी क्रंच दिख रहा है
ये देखिए, और इसे हम निकालेंगे कटोरी में। ये देखिए कितनी प्यारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर जमी है। ये देखिए बाज़ार से भी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा क्रंच ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति आर्या को, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी स्वाति आर्या, यूट्यूब मेरी आईडी है। थैंक यू सो